गया शहर में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपनी जीत की तैयारियों में जुटे हुए हैं। स्थानीय नगर निकाय चुनाव के नगर निगम के मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं वार्ड पार्षद के चुनाव में सरगर्मियां बढ़ गई है। सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनाव चिन्ह के साथ प्रचार प्रसार में तेजी से लाकर जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए तत्पर हैं। सभी मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रचार करने में जुटे हुए हैं। कोई जनसंपर्क कर रहा है तो कोई नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनता को अपने पक्ष में करने के में लगे हुए हैं। सभी प्रत्याशी अपने जीत का दावा कर रहे हैं। कोई विकास के नाम पर तो कोई पार्टी के नाम पर अपनी नैया पार करने में जुटी हुई है। सबका ध्यान केवल नगर निगम के प्रथम नागरिक बनने के लिए तैयार है। जनता खामोश है। अब देखना होगा कौन बनेगा महापौर, किसके सर सजेगा ताज। अरे मानपुर के समाज के सारे समाज के लोग इनको इसलिए दे रहे हैं ना, ये शिक्षित युवा उम्मीदवार हैं, महिला उम्मीदवार हैं। हालांकि इसके पहले भी तो महिला उम्मीदवार हैं, लेकिन शिक्षित नहीं है। इसके कारण हमारे समाज का, हमारे गांव मोहल्ले गली का विकास नहीं हो पा रहा है। ऑफिस में जाते हैं, काम नहीं हो पाता है। अपना परिचय देता हूं, मैं डॉक्टर राजीव शर्मा और पप्पू भैया वार्ड नंबर 49 का स्थायी निवासी हूं। और हमारे जो प्रत्याशी है बीना कुमारी, चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप क्रमांक नंबर 3। हम जात पात से हटकर हम जमात के साथ और जमात का सहयोग से ही हम आज हम इस वार्ड नंबर 49 का हम अपना प्रत्याशी, ये जमात का प्रत्याशी है, ये मेरा प्रत्याशी नहीं है। और जो समस्या हमारे वार्ड में, जो हम लोग, हमारी जमात जो घूम घूम के देख रही है, आज हम अपने समर्थकों के साथ घूम रहे थे तो एक तरह से वार्ड नंबर 47 में जन सैलाब हमारे प्रत्याशी के लिए उमड़ था। इससे जाहिर होता है कि हमारे प्रत्याशी के पीछे चुनाव में कोई नहीं रह गया है। हम यहाँ से वार्ड नंबर 47 से, जो हमारे चुनाव चिन्ह है मोमबत्ती छाप, हमारे प्रत्याशी कुमारी सुशीला, जिनको यहाँ पे भारी समर्थक के द्वारा यहाँ पे बहुत अच्छे वोट से यहाँ पे के जनता ने जिताने का काम करेंगे। कितना वोट से जीते हम यहाँ पे लमसम 2000 वोट से जीत रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने हमारे जन समर्थन को देख रहे हैं, पब्लिक को देख रहे हैं कि इनका क्या मूवमेंट है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि अब हमारे पीछे कोई प्रत्याशी नहीं रहेगा। अच्छा, आप जीतेंगे तो किस तरह के विकास करेंगे अपने वार्ड में? हम अपने वार्ड में भ्रष्टाचार मुक्त काम करेंगे, चाहे वो कॉलोनी का मामला हो, चाहे वृद्धा पेंशन का मामला हो, चाहे राशन का मामला हो, हम तमाम तरह का काम जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे ऊपर बिहार सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का आशीर्वाद प्राप्त है और पूर्व सीएम जी तरह बहुत सी ऐसी कठिनाइयाँ हैं जो अभी तक दूर नहीं हुई है। सरकार तरफ से बहुत से फंड आते हैं पर गरीबों तक नहीं पहुंचती है। मेरा लक्ष्य है कि वो सब गरीबों को मैं दुख दूर करूं। मर बस मेरा यही प्रणय है और यही मैं चाहती हूं कि सबका समस्या का हल हो। नहीं पहुंचने का कारण क्या है? धरातल पर योजना नहीं उतर पाते, विकास नहीं होते, उसका कारण क्या है? बहुत जगह देख चुके हैं, बहुत से उसका स्थिति, गली का, रोड का, बहुत सारी स्थिति खराब है। वो हम चाहते हैं कि सब समस्या को दूर हो, बस यही मेरा लक्ष्य है और निर्णय भी है। बस उन लोग को साथ चाहिए और सहयोग चाहिए। आप किस तरह से विकास करेंगे अपने वार्ड में? वार्ड में सब हम नहीं, सब पब्लिक लोग मेरा विश्वास कराएगा और कराएंगे। पर्चे दे दीजिए। पर्चे मैं बीना कुमारी वार्ड नंबर 49 की प्रत्याशी हूँ।